वैभव पांडे जी, एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वैभव जी, ये खबर क्या है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कोई भी बदलाव अक्सर वेलकम चेंज होता है। तो ये जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ना कि कट ऑफ या पेपर के दिन अगर कोई ऊंच नीच हो गई और बच्चा रह जाता था, ये नहीं होगा। एक एक लाइन में अगर आपको समझाऊं तो स्किल डेवलपमेंट पे जोर दे रही है नई शिक्षा नीति, और उसी के तहत मार्कशीट्स कैन नॉट बी हायर्ड, यानी कि जो मार्कशीट है वो कंपनी में नौकरी करने नहीं जा सकती। ये बात अब सरकारें और ये बात अब यूनिवर्सिटीज समझ रही हैं। तो इसी के तहत ये डिसाइड करा गया कि भाई ठीक है, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो, और जब ये टेस्ट हो जाए तो उससे फैसला हो जाए कि बच्चे का जनरल एप्टीट्यूड कैसा है, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज या जो भी अन्य भाषा में वो बात समझता है, वो कितनी समझता है। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के सवाल इसलिए आते हैं क्योंकि ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि बच्चे का जनरल एप्टीट्यूड कैसा है। OLQ, जिसको डिफेंस में कहते थे ऑफिसर लाइक क्वालिटी, तो ऑफिसर लाइक क्वालिटी इन पेपर से तय होती है, और इसके बाद जो पेपर टू है उसमें जनरल या फिर सब्जेक्ट बेस्ड हम चले जाते हैं। तो इसमें यह भी कहा गया है कि आप, क्योंकि कोरोना का समय रहा है, आप NCERT किताबों से पढ़ें, और आप बिल्कुल भी इसको बहुत प्रेशराइज सिस्टम के हिसाब से ना लें। आप ये मान के चलें कि जिन दो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में आप अच्छे हैं उनको डोमेन पेपर्स की तरह लें, और जहां तक बात रही एप्टीट्यूड की, एप्टीट्यूड का मतलब होता है आप अंग्रेजी या हिंदी भाषा में कैसे हैं, अपनी चॉइस ऑफ लैंग्वेज में कैसे हैं, आप मैथमेटिकल एबिलिटी में कैसे हैं, और आप रीजनिंग एबिलिटी में कैसे हैं। यानी कि अगर आप इन सारी एबिलिटीज में अच्छे हैं तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर मैं अपनी भाषा में कहूं तो अगर आप में स्किल है, कुछ करने की विल है, तो कुछ नहीं मुश्किल है। ये एक बेसिक फंडा है जिसके तहत ये CU CET का एग्जाम इस साल होने जा रहा है।